हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक हाउस हैकर बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये होगा हमारा आइकन, सिंपल वन कलर आइकन होगा। एंड ये हमारी कलर स्कीम है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कलर स्कीम आ जाएगी इधर। एंड हम अब इधर ये बनाना शुरू करेंगे। सिंपली सबसे पहले हम एक ब्लैक कलर ले लेते हैं इधर से, एंड लेट्स चूज समथिंग ग्रे। एंड देन सिंपली हम रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड इधर से हम एक स्क्वायर बना देंगे लाइक दिस। और मूव टूल लेके इसको थोड़ा सा हम इसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे एंड थोड़ा सा इसको हाइट में भी बड़ा कर देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हम इसके ऊपर की रूफ बनाएंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रेक्टेंगल्स का। हम सिंपल इसको शेप्स की मदद से बनाएंगे, सिर्फ यूजली सिर्फ रेक्टेंगल। यहाँ से हम ये बना लेंगे ऐसे करके एक शेप। अब हम क्या करेंगे कि इसको रोटेट कर देंगे शिफ्ट प्रेस करके 45 डिग्री लाइक दिस, राइट की तरफ कर देंगे। देन हम इसको सिंपल राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देंगे एंड इसकी एक कॉपी बना देंगे, जिसे वर्टिकल पे सेट करके कॉपी बना देंगे, जिससे ये कॉपी हो जाएगा। नाउ कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा ये एक्सरे या स्ट्रोक मोड ऑन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। जूम करके आप अच्छी तरह देख लें कि ये सही तरह अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आपका ये हो जाए तो आप कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस कर दें। पार्ट फाइंडर निकाल लेंगे हम। अब पार्ट फाइंडर जाके अगर आपको पार्ट फाइंडर ना मिला तो विंडो पे जाएं एंड पार्ट फाइंडर पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास विंडो शो हो जाएगी। इधर जाके हम यूनाइट पे क्लिक कर देंगे, ये पहला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, जिससे ये एक शेप बन जाएगी। देन अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इसको इधर रख देंगे एंड दोनों को सिलेक्ट करके एक दफ़ा अपने रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे। एंड देन इसको हम इधर से अलाइन कर लेंगे। देन हम इसको दोबारा से क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये लेयर के पीछे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल और ये क्लोजिंग ब्रैकेट को क्लिक कर देंगे। देन इसको हम शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेंगे एंड देन हम करेंगे कि हम इसके अंदर स्ट्रोक ऐड करेंगे, तो स्ट्रोक अराउंड जितनी आपको इनके बीच स्पेस चाहिए उतनी करेंगे। तो मैं अराउंड इसको 25 कर लूँगा, थिंक इतनी गुड। एंड स्ट्रोक पे जाके इधर स्ट्रोक की सेटिंग इधर क्लिक कर देंगे एंड इसको हम आउटर साइड की तरफ कर देंगे। आई थिंक ये ज़्यादा हो गई, तो इसको अराउंड 20 कर देते हैं। हम क्या करेंगे कि रेक्टेंगल टूल लेके इसको हम ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना देंगे, इसकी स्ट्रोक हम नहीं रखेंगे। देन हम इसको पकड़ के इधर हम प्लेस कर देंगे इस खाली जगह के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट का हम क्लिक कर देंगे, जिससे ये हमारी लेयर के पीछे चले जाए। इधर हम दोनों को सिलेक्ट करके पार्ट फाइंडर में जाके यूनाइट पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये एक शेप बन जाएगी। देन हम क्या करेंगे कि सिंपल अब हम एक डोर बनाएंगे। तो डोर बनाने के लिए सिंपल हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे एंड इधर से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम रूफ के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे पास सेम स्ट्रोक लग जाएगी एंड इसको हम इधर प्लेस कर देते हैं। मेक श्योर कि ये स्ट्रोक है, ये आपकी नीचे वाली स्ट्रोक ये आपकी शेप से बाहर हो लाइक दिस। अब हम इन सारों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देंगे लाइक दिस। अब हम हैंडल बनाएंगे। वैसे हम इसको रेक्टेंगल से ही बना रहे हैं, तो हम इसको रेक्टेंगल से ही करेंगे। एक सिंपल हम सर्कल बना के उसको उसका फिल ज़ीरो करके वही सेम कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने इनकी स्ट्रोक के लिए किया एंड देन इसको हम राउंड कर देंगे। देन हम ये करेंगे कि इसको हम इधर प्लेस कर देंगे, जब आपको अच्छा लगे आप उधर प्लेस कर दें। अब ये हमारा एक आइकन बन चुका है, तो अभी इसको हम सिंपल थोड़ी सी इसको अंदर एडिटिंग करेंगे, जिससे हमारा ये इस तरह का बन जाएगा। तो सिंपल हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पार्ट एंड आउटलाइन स्ट्रोक, जिससे जितनी भी स्ट्रोक होंगी उनको एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देन हम दोबारा से पार्ट फाइंडर खोल लेंगे एंड इधर ये सेकंड ऑप्शन पार्ट फाइंडर के अंदर आपको नज़र आएगी ट्रिम की, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन हम ये करेंगे कि हम सिंपल इसको सेलेक्ट करके इधर आपको ये नज़र आ रही होगी मैजिक वन टूल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे या वाई प्रेस कर देंगे एंड इधर पिंक जहाँ पर आपको पिंक शेप नज़र आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। देन हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका बन चुका है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।